Bajrang Punia, who had to settle for the bronze medal after a controversial decision in the semi-finals in the World Championship went against him, had a special advice from double Olympic medalist and legendary Sushil Kumar on the issue. Punia had lost his semi-final bout against the local wrestler Daulet Niyazbekov in a controversial manner after securing the quota for 2020 Tokyo Olympics, post which WFI sent their protest to UWW. मैं यही कहूंगा कि खिलाड़ी का काम बहुत छोटा टाइम होता है खिलाड़ी का खिलाड़ी को नहीं घुसना चाहिए फालतू की चीजों में बस अब ठीक है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है काम हो गया है अब अगला टारगेट उसको मिलना चाहिए और बस उसको ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए जो चीज हुई है उसको छोड़ देना चाहिए अब उसको दिमाग में रखने से वो चीज वापसी नहीं आएगी और मैं उसको बस यही कहूंगा कि वो आगे के लिए लग करे और हमारे सभी खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा किया वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब की बार जब यूएसए जैसा देश हमें उठ के सलाम करता है हमें बेस्ट ऑफ लक बोल के जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है वो माहौल आप लोग वहां देखते हो वहां मेरे ख्याल से अमनदीप अमनप्रीत गए है ना वो गए हुए थे तो वो आपको बताएंगे कि कैसा माहौल वहां पे था सब लोग वर्ल्ड का कोई एक खिलाड़ी नहीं और पब्लिक नहीं जिसने इंडिया को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला और सब ने बहुत प्रशंसा की तो इसमें बड़ी खुशी थी मेरे को